और उधर अब यूक्रेन के बाद रशिया के निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह आशंका जताई है फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता ली तो ये रूस के लिए खतरा बन सकता है। रूस का आरोप है कि स्वीडन युद्ध में यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है, यूक्रेन को सैन्य और तकनीकी सहायता पहुंचा रहा है। नाटो की सदस्यता के सवाल पर रूस ने पहले भी स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी है। रूस साफ कह चुका है कि अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल हुए तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और नाटो की कार्रवाइयों की वजह से रूस की पश्चिमी सीमाओं पर सैन्य खतरे बढ़ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस 2022 के अंत तक अपनी पश्चिमी सीमाओं पर 12 नई मिलिट्री यूनिट्स बनाएगा। रूसी रक्षा मंत्री के दावों पर यकीन करें तो रूसी सेना ने डोनबास पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया है और लुहांस प्रांत भी यूक्रेन के हाथों से निकलता जा रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।